सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि जिन पार्टियों जिन सीटों पर बैरिस्टर साहब को लगता है कि ये जीतने वाली सीट है उसी पर कैंडिडेट उतारते हैं। लोकसभा में 3 सीटें उतारी हमने, औरंगाबाद, किशनगंज और हैदराबाद, उसमें से हमने 2 सीट जीती, हैदराबाद और औरंगाबाद। और किशनगंज की सीट पर 3 लाख से ज्यादा वोट पाया। इंशाल्लाह जो लोग कह रहे हैं कि 5000 वोट हाजी आरिफ दौलाना से नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह ताला 160 विधानसभा बैरिस्टर साहब ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत 160 सीट चिन्हित कर सकी है दलनी, और 160 सीट जीतेंगे इंशाल्लाह इस बार हम। उदाहरण है कि अहमदाबाद में कॉर्पोरेटर के चुनाव में हमने 12 अपने कैंडिडेट उतारे जिसमें 9 जीत लिए हमने, और हमें गोधरा में 8 कैंडिडेट हमने उतारे 7 जीत लिए, मोडासा में हमने 9 उतारे 8 जीत लिए। भारत के अंदर अगर किसी पार्टी का सबसे मजबूत और बढ़िया रेट स्ट्राइक है तो वो MIM है। 160 विधानसभा में आपके चैनलों के माध्यम से ये प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि वो लोग सुन लें कि 160 विधानसभा पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जीत करा रहा है। इंशाल्लाह इनकी नींद उड़ी हुई है। मैं बता देना चाहता हूँ उनको कौन कौन सी सीट है हमने चिन्हित कर ली है। अमरोहा, कैराना, सहारनपुर, नजीबाबाद, संभल, बिलारी, कुंदरकी, मुरादाबाद, ठाकुर द्वारा, सोराटाना, चमरौतपुर, रामपुर, मेरठ शहर, धौलाना, इसौली, कैंट, प्रतापपुर, निजामाबाद, भिनगा, मऊ सदर, गोपालपुर, सीसामऊ, मुबारकपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, दक्षिणी, उतरौला, कांठ, मीरापुर, नकुर, देवबंद, थाना भवन, श्रावस्ती, बांगरमऊ, फूलपुर, रूदौली, नानपारा, पीलीभीत, बहेड़ी, बुलंदशहर, डुमरियागंज, शाहबाद, सिकंदराबाद, लखनऊ, पश्चिम शहर, मुरादाबाद, मेरठ दक्षिण, भोजीपुरा, तुलसीपुर, शाहजहांपुर, खलीलाबाद, बड़ापुर, चांदपुर, आगरा, मोहम्मदाबाद, मोदी नगर, बैसी, पथरदेवा, कोलिया कला, नौगामा, सादत, मीरगंज, सिपराइज, पडरौना, रायबरेली, रानीगंज, सहसवान, श्रीनगर, सेवता, संडीला, सोरतगढ़, तिलोई, टांडा, बिस्वा, सिकंदरपुर, स्याना, सिवाल, खास, सैरुद्दीन, सुल्तानपुर, अकरोली, आरनगर, अयोध्या, नूरशहर, असमोली, बिजनौर, बुरहाना, बरेली शहर, सीतापुर, चरथावल, धामपुर, दरियावट, गुन्नौर, गोरा, गदरौल, जहूराबाद, साहेबाबाद, मटेरा, मुरादनगर, हुसैनगंज, मिर्जापुर, कटरावाजा, कैंटमौंती, नवाबगंज, पटियाली, पनियारा, सरगना, सिरातूर, रामनगर, रुधौली, पयारपुर, पूरे प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है और देश में सब लोग जानते हैं कि अगर बैरिस्टर ओवैसी अपना ताना फेंक कर वोट काटने नहीं बल्कि जीतने की उम्मीद से लड़ते हैं, और 100 सीट का ऐलान किया था, 160 सीट इंशाल्लाह जीत कर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा विधानसभा में इसके बगैर सरकार नहीं बनेगी या इंशाल्लाह इसकी सरकार बनेगी।